स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। मुख्यमंत्री आवास में भी बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में आजसू बीजेपी गठबंधन को लेकर चर्चा हुई, साथ ही साथ नॉमिनेशन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। पार का लक्ष्य हम कैसे करें और फिर से राज्य की 3.25 करोड़ जनता, 2.25 करोड़ मतदाता हम सब लोगों को झारखंड की सेवा करने का फिर कैसे अवसर दे, इसके लिए हम सब लोगों ने चुनाव प्रबंधन पर बातचीत की। आपकी आजादी अब दिल्ली के लोग तय कर रहे हैं, उन्हीं को निर्णय करना है। किशोर जी, अभी तक क्या वार्ता? दिल्ली के लोग ही वार्ता कर रहे हैं ना, जब दिल्ली के लोग खबर करेंगे तो आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के इससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी बैठक और नॉमिनेशन को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नंद किशोर यादव समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। आजसू के साथ गठबंधन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक बैठकों का दौर बदस्तूर जारी रहा है और साथ ही साथ नॉमिनेशन को लेकर, पहले चरण के नॉमिनेशन को लेकर भी इन बैठकों में चर्चा की गई, मंथन हुआ है। देखिए, अभी चुनाव प्रबंधन की बैठक थी। पार्टी के उम्मीदवारों के जीत के लिए 65 का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पार्टी के दृष्टिकोण से पार्टी ने चुनाव प्रबंधन के लिए एक टीम बनाई है। सभी विभागों की बैठक थी, उसमें माननीय संगठन महामंत्री जी, माननीय नंद किशोर यादव जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रत्याशियों को लेकर भी कुछ मंथन किया गया? नहीं, ये कुल मिलाकर के इलेक्शन के मैनेजमेंट के लिए है। अलग अलग विभाग, प्रचार से लेकर के साहित्य से लेकर के वाहन से लेकर, कई ऐसे विभाग होते हैं जिसको चुनाव के संचालन के लिए आवश्यक होता है और चुनाव के परिणाम पर ये असर देने वाला चुनाव प्रबंधन होता है। हमारे कार्यकर्ता पहले से इस काम में बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे ढंग से इसको निर्वाह करते आए हैं। उन सब विभागों की आज बैठक थी। आप घबराइए मत, भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन सारा इंटैक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, 65 का लक्ष्य पार करेगा।